कार्वन देखती है इवो तैयार होकर कहीं जा रहा, तो पूछती है कहाँ जा रहे हो। इवो कहता है जानगार से मिलने। इवो तुम्हें कितनी बार बोलूँ, तुम यांग एक मिनट, क्या कहा तुमने, कार्वन बोली। तो इवो कहता है यस मॉम, मैं जान से मिलने जा रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। कार्वन कहती है क्या तुम श्याव जान की बात कर रहे हो। यस मॉम, मैं सीन श्याव जान की बात कर रहा हूँ, क्या अब मैं जाऊँ, मैं लेट हो रहा हूँ, इवो बोला। कारण कहती है लेकिन तुम तो उससे नफरत करते थे ना। इवो शर्माते हुए कहता है अब नहीं करता। तो कारण पूछती है क्या तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इवो हाँ में सर हिलाता है, वो ब्लश कर रहा था। तो कारण जल्दी से कहती है तो जल्दी जाओ, उसे वेट कराना अच्छा नहीं, अपने अल्फा को वेट नहीं कराना चाहिए। कहते हुए कारवन उसे धक्का देते हुए गेट से बाहर कर देती है। इवो को समझ नहीं आया अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जान का ख्याल आते ही वो वहाँ से चला जाता है, आज वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ बीवी को बुक पढ़ने की सोचती है जो यांग ने दिया था। वो बुक को लेकर बेड पर बैठ जाती है, वो बुक को ओपन करती है। पहले पेज में एक अल्फा और एक ओमेगा का ड्रॉ पिक्चर बनी थी, पर उसमें ओमेगा का पिक्चर थोड़ा ख़राब था जिस वजह से उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। शायद बुक बहुत ज़्यादा पुरानी हो इसी वजह से ओमेगा का फेस मिट गया हो। यहाँ पर बीबी ने जान को नहीं देखा है, वो सिर्फ ईवो को देखी है। जब तक उस यांग उससे मिलने आता तो कभी कभी वो ईवो को भी अपने साथ लेकर आता, इसलिए वो ईवो से मिल भी चुकी है। फिर वह नेक्स्ट पेज पर जाती है जिस पर लिखा था, वो भी बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, फुल मून किसी के लिए ब्लेसिंग होता है तो किसी के लिए उसका जिंदगी नर्क बना देता है। मून गॉडेस सबको अपना लव वन देते हैं, सबको एक सेकेंड चांस भी देते हैं, पर यह उस पर निर्भर है कि वो किस तरह से ये निभाए। वो अगर कोई मून गॉडेस के खिलाफ काम करे तो उसे सजा भी मिलती है, ऐसी सजा जो कोई ही लेना चाहे। ऐसा समय था जहाँ आप पावरफुल या बड़े क्लैन से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, अगर आप गरीब हैं या किसी गरीब के यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए किसी भी नर्क से कम नहीं। एक क्लैन जहाँ वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए दूसरे क्लैन से संधि करते हैं, अगर आप पार्टनर फेडेड पार्टनर उस संधि में मैच है तो ज़िंदगी अच्छी है, अगर नहीं तो कुछ गार्ड किसी क्लैन को चाबुक से मारते हुए दूसरे क्लैन में ले जा रहे थे। वो क्लैन अपना पावर खो चुका था, इसलिए ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो इसका फ़ायदा दूसरे क्लैन उठाते हैं। ये सब एक शख्स एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ काला धुआं छा जाता है और सभी गार्ड या सैनिक वहीं दम घुटने से मर जाते हैं। ये सब देख क्लैन के लोग उस शख्स के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं। तभी आसमान पे एक ईगल उड़ता हुआ उस शख्स के हाथ पर बैठ जाता है। वो शख्स मुस्कुराया और उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फहराने लगता है। वो उसका नाम सुबियान बोला। सुबियान उसे जंगल में मिला था। तभी पीछे से एक लड़की आते हुए बोली जी चौंग, तुम यहाँ हो और माँ तुम्हें ढूंढ रही। जी चौंग जो अभी 18 का हुआ वो हाँ पर सिर हिलाता है और अपने घर की तरफ चलने लगा। वो लड़की भी उसके पीछे आने लगी जिसका नाम लिकिंग है। वो अभी अभी 18 की हुई है और उसे अपना अल्फा भी मिल गया, लेकिन वो अपने अल्फा को स्वीकार नहीं कर रही क्योंकि उसे जी चौंग पसंद है। जी चौंग और लिकिंग बचपन के दोस्त हैं, दोनों ही लॉ फैमिली से बिलोंग करते हैं। बचपन से ही लिकिंग जी चौंग को पसंद करती है, लेकिन जी चौंग उसे एक दोस्त के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मानता। यहाँ जैसे ही जी चौंग घर पहुँचा उसे एक शख्स ने पूछा तुम कहाँ थे। हाँ ये वांग डालू है, लिकिंग का अल्फा, लेकिन ये डालू को ना स्वीकार की और ना ही अस्वीकार किया। डालू को तो लिकिंग बहुत पसंद है, वो चाहता है लिकिंग उसे अपना लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार करे। वांग डालू जी चौंग का सबसे अच्छा दोस्त है। जी चौंग जैसे अंदर गया वो देखता है उसकी मदर उठने की कोशिश कर रही, तो वो उन्हें जाकर मदद करता है। उनको अपना अल्फा खोना पड़ा जब वो प्रेग्नेंट थी, तभी उनके अल्फा की मौत हो गई, उसे मार दिया गया था क्योंकि एक लोकल क्लैन से बिलोंग करता था जिससे
लेकिन अपने अल्फा के मौत के बाद उन्हें एक बीमारी हो गई, लेकिन पैसे ना होने पर इनका इलाज नहीं हुआ क्योंकि बड़े क्लैन के दवाइयाँ लाना मुश्किल है। ये जीचोंग को यह कह देती कि वो ठीक है, ये छोटा सा बीमारी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी मदर उससे झूठ क्यों बोलेगी, ये सोचकर जीचोंग ने ये बात मान जाता है। जीचोंग पूरी तरह अपने पिता पर गया है। जीचोंग अपने मदर से पूछता है, क्या वो ठीक है, क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। उसकी मदर ना पर से हिलाती है और पूछती है, क्या तुम अपने ओमेगा से मिले। जीचोंग कहता है, नहीं माँ, अभी तक नहीं। फिर वह कहती है, तुम्हें ढूंढना चाहिए, जाओ शायद तुम्हें उसका स्मेल आ जाए। जीचोंग कहा, हाँ माँ, चला जाऊँगा, पर पहले आपका ध्यान रख लूँ। उसकी मदर ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए जी चंग उसे बाहर घुमाने ले जाता है। वो अपनी मदर का हाथ पकड़ा था और वो धीरे धीरे चल रही थी। उसकी मदर कहती है, तुम्हें पता है हमारे पास हमारे परिवार के अलावा हमारा दूसरा परिवार हमारा पार्टनर होता है, इसलिए जब तुम्हें अपना ओमेगा मिल जाए तो उसे बहुत प्यार देना, उसका ध्यान रखना। जी चंग बीच में ही कहता है, माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं जैसे आप कहीं जा रही हैं। तो उसकी मदर जल्दी से कहती है, नहीं मैं कहीं जा नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ, तुम्हें सिखा रही हूँ कि एक अल्फ़ा होना क्या होता है, एक अल्फ़ा का क्या ड्यूटी है। ऐसे ही उसकी मदर बहुत सारी बातें उससे करती है। शाम हो जाती है और जी चंग अपनी मदर को रेस्ट करने को कहा और वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, फ्लूट निकालता है और उसे बजाने लगता है। तभी एक पास के पेड़ पर हलचल हुई जिससे जी चंग फ्लूट बजाना बंद कर अपनी तलवार निकाल लेता है और उस तरफ बढ़ने लगता है। एक सेकेंड में ही जी चंग उसके सामने अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख दिया। बाद में उसका शक्ल देखा, उसने प्योर वाइट रॉब पहना हुआ था, उसके सर पर फोरहेड रिबन बंधा हुआ था और उसकी आँखें समुद्र की तरह नीली थी। उस आँखों पर वो खो गया। तब तक वह शख्स उसके स्वाट को हटाकर वहाँ से भागने लगा। जी चंग अपने सेंस पर आया, वो उस शख्स की तरफ मुड़ते हुए बोला, हे अपना नाम तो भाग गया। जी चंग देखा, वो अब पूरी तरह गायब हो गया। जी चंग वापस घर आया, अभी भी उसके दिमाग में उसका चेहरा नहीं जा रहा था। उसे खोया हुआ देखकर उसकी मदर पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों खोए हो, क्या कुछ हुआ है। जिस पर जी चंग बोला, मदर मुझे अपना मेट मिल गया। ये सुनकर उसकी मदर बोलती, ये तो अच्छी बात है, कौन है वो। जी चंग बोला, बोलने वाला था लेकिन उसको याद आता है कि उसके बारे में उसे कुछ भी पता ही नहीं। वो कहता है, नहीं पता माँ, मैं नाम पूछने वाला था लेकिन वो भाग गया। तो उसकी मदर हंसती है और कहती है, शायद शर्मा रहा हो, तुम उसका तरीका बता दो, शायद मैं अंदाज़ा लगा लूँ, मैं बहुत सी क्लैन में घूम चुकी हूँ। फिर जी चंग याद करने लगता है, उसके माथे पर बंधी वो चीज़ उसको पर बार बार उसका ध्यान जा रहा था। वो कहता है, पूरे सफ़ेद कपड़े पहना था और उसने माथे पर अजीब सी चीज़ पहन रखी थी। उसकी मदर सोचती है, ऐसे तो सिर्फ गुसु क्लैन पहनते हैं, इसका मतलब चौंग का ओमेगा गुसु क्लैन से है। वो जी चौंग की तरफ देखती है और कहती है, चौंग मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। हाँ, जी चौंग कहता है, पर क्यों माँ, आपने ही कहा था कि उसकी मदर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है, जो कुछ कहा सब भूल जाओ। हाँ, तुम किसी और को पसंद कर सकते हो, हमारी लिकिंग कैसी रहेगी, हमारी लिकिंग बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए। हाँ, जी चंग देखता है, अचानक से उसकी मदर का बर्ताव चेंज हो गया। वो कहता है, ठीक है मैं नहीं जा रहा उसके पास, अब सो जाओ। ऐसा कर वह उसे लेटा देता है और अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। पर उसके दिमाग से वो ख्याल ही नहीं जा रहा था और दिमाग में उसकी मदर की बात बार बार गूंज रही थी। किसी भी तरह वो सो जाता है। दूसरे दिन जी चंग फिर फ्लूट बजाने को सोचता है, अगर फ्लूट बजाने से वो आता हो तो। उसने वंशयान नोट प्ले करता है, थोड़ी देर तक प्ले करने पर वो शख्स नहीं आया तो जी चंग वहाँ से जाने लगा। तभी किसी की कदमों की आवाज़ सुनता है तो देखा वही शख्स उसके सामने खड़ा था। उसने अपना सर नीचे किया था, बहुत देर तक वो तो चौंग उसे सिर्फ देख रहा था। फिर वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो शख्स धीमी आवाज में बोला, वांजी। जी चौंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ।
जिस पर वह हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मीट। जी चौंग कहता है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जिस पर वह फिर से हाँ में सिर हिलाता है और हूँ कहता है। अब जी चौंग धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। उसे अपना हाथ उसके कमर पर रखा और उसे और पास खींचा। वांजी की हाइट जी चौंग के नेक तक आती है और बहुत थिन भी है, जिससे वो पूरी तरह जी चौंग के बाहों में समा गया। अब जी चौंग उसके सेंट को स्मेल करने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है वांजी। जिस पर वो शर्मा गया और अपना फेस चौंग के नेट पर छिपाने लगा। थोड़ी देर बाद वांजी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ओमेगा का घूमना अच्छा नहीं, इसलिए जी चौंग उसे वापस भेज दिया। अब ऐसा ही होता है। चौंग फ्लूट बजाकर वांजी को बुलाता है। वह बहुत सारी बातें करता है। जी चौंग ही ज़्यादा बोलता है, वांजी सिर्फ सुनता है, क्योंकि वांजी कम बोलता है। तो चौंग की बात ही बातों को शुरू रखता है, ताकि उसके पास ही बैठा रहे और चौंग उसे देख सके, उसे स्मेल कर सके। वैसे चौंग को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पर वो बोलने के लिए उसे फोर्स नहीं करता। Oh.